ज्यादातर अनंग का अर्थ काम ही है। अनंग माने काम होता है, जब काम जल गया उसके बाद में अनंग उसका नाम हुआ। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुनने जे मिलने प्रसंग। तो ये अनंग वर्धन, तो भले ही तुम कहीं पर भी रहो, कोई भी चेष्टा भी करे कि तुम्हारे जीवन में अनंग वर्धन हो जाए, तो भी तुम उसमें गोविंद के ही प्रेम को तलाशना। निशम गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रजांगनाओं ने अपना अपना नाम सुना, मानो कि गोविंद बांसुर की कलरव से उन्हें आहूत कर रहे। गोपियां ब्रजांगनाएं दौड़ी, तो किस लिए दौड़ी? अनंग की प्राप्ति के लिए, काम की प्राप्ति के लिए। ब्रज स्त्रिया कृष्ण नंदनंदन श्याम सुंदर की प्राप्ति की अभिलाषा से ही वो दौड़ी। और आ जग मुरन्योन्यमलक्षितो दिमा। और ये ब्रजांगनाएं भी कौन है?
त्रेता के वो ऋषि मुनि लोग हैं जो राम के माधुर्य स्वरूप को देखकर न्यौछावर हो गए थे, जो पति के रूप में उन्हें प्राप्त करना चाहते थे। भगवान ने उन्हें ही गोपी के रूप में द्वापर में बुलाया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हैं। या वेदों की वो ऋचाएं हैं जो 16,000 ऋचाएं हैं, जो कहती है कि हमारा आश्रय ग्रहण करके साधक आप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन गोविंद हमें ही आप नहीं मिले, कहा आ जाओ महाराज। तो ये गोपियां श्रुति रूपाएं, ऋषि रूपाएं, अलग अलग साधक रूपाएं, सिद्धियां थी। यहाँ पर सुखदेव जैसे आचार्य भी गोपी बन करके खड़े हुए हैं, इसलिए तो कहते हैं आजगमु, नहीं तो जगमु कह देते। जगमु माना चली गई, आजगमु मानी आ गई। और ये शब्द वही कहेगा जो व्यक्ति पहले से वहां उपस्थित हो, तब किसी को आते हुए देखेगा कहेगा वो भी वहीं पर आ गया। तो इसका मतलब शुकाचार्य जी महाराज पहले से वहां पर उपस्थित हैं। आजगमु रण्यो न मलक्षित उद्मयी ही, और कहां पर सयत्र कांतो जवलो लुकुंडलाः। ध्यान रखना ये वो ही गोपियां हैं जिनके गोविंद कांत हैं, पति हैं, वो अपने पति के ही पास में गई हैं। सयत्र कांतो जवलो लुकुंडलाः। और श्याम सुंदर की बांसुरी को श्रवण करके इतनी तीव्रता का भाव उनमें उठा है कि द्वंतो ययु काश्चित् दोहम हित्वा समस्काः पयोदिश्रुत संज्ञा वो मनदवास्या परायु परिवेश्यंतस तद्धित्वा पायंता सुनपया शुश्रू संता पतिन काश्चित् दिशन्तो पाश्चित्। कोई गाय को दुह रही थी, तो उन्होंने मटकी वहीं पर छोड़ी और भाग खड़ी। तो क्या रात को 12 बजे मटकी दुह रही थी? वो गाय नहीं, सामान्य गाय नहीं दुह रही थी। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनाः, ऋषि ऋषियां हैं इसलिए उपनिषदों का तत्व चिंतन कर रही थी। तो आप अगर उपनिषदों को पढ़ रहे हो, उपनिषदों का तत्व चिंतन कर रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। और जब वो परमात्मा खुद ही कृपा की बांसुरी बजा करके बुलाए, तो फिर उपनिषदों को पढ़ने की जरूरत क्या है? उनको रखो और भाग चलो गोविंद की ओर जहाँ वो बांसुरी बजा रहा है। इसलिए उन्हें वहीं पर मटकी रखी। बात शुश्रू संता पतिन काचित दशनंते उपास्य भोजनम, कोई पति को भोजन करा रही थी और जब परम पति की आवाज आई तो जाके प्रिय नराम वैदेही तदिये ताहे कोटि बैरी संभाग खड़ी। कोई काजल लगा रही थी तो आंख तक कान तक सुरमा खींचती हुई चली गई। हाथों के कंगनों को पांव में अड़काया और पांव के कणों को हाथ में डाल करके गोस्वामी जी ने इसको एक ही लाइन में लिख दिया जनकपुर वासियों के सामने कि धाये धाम काम सब त्यागी और मनहु रंक निधि लूटन लागी। ऐसी आतुरता जब तक आपके जीवन में नहीं बढ़ेगी, व्याकुलता जब तक आपके जीवन में नहीं आएगी, तब तक परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं। और जिनके पतियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, वे शरीर से समाधि अवस्था में पहले ही गोविंद के महाराज में जाकर के सम्मिलित हो गए। गोविंद ने उनको आया हुआ देख करके उन्होंने पूछा कि हे देवियों, आपका आगमन बहुत सुंदर है। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयम कच्चित् ब्रूतागमन कारणम, आपका स्वागत है, कैसी पधारी, कृपा करके मुझे बताइए। ये अर्धरात्रि है और श्रेष्ठ कुल मर्यादा में रहने वाली स्त्रियां कभी भी अर्धरात्रि के समय पर अपने पत्नी पुत्र परिवार, अपने पति पुत्र परिवार घर को छोड़कर के रात्रि में बाहर नहीं निकलती। गोविंद ने यहाँ पर पूरा उपदेश दिया है पतिव्रत धर्म का। रजन्ने सा घोर रूपा गौर सत्वन सेविता प्रतियात ब्रजम ने हस्ते हम स्त्री भी सुमध्यमा। घनघार अंधकारमय रात्रि, इसमें आप कैसे आए? आप तो श्रेष्ठ कुल संपन्न हो। अच्छा चलो, पूर्णिमा की चांद की चांदनी में आपका मन किया होगा कि ब्रजभूमि की बनाटवी की उस सुंदर प्रकृति विहार का दर्शन करके आ जाएं। इसलिए अगर आप आ गई हो, धोखे से अगर हम आपको दिख गए हैं, तो हम आपको एक परामर्श देते हैं। दृष्टम बनम सुकुमितम, दृष्टम बनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना नील नीले तरु पल्लव शोभितम।
अगर आपने ये सुशोभित पुष्पों से वन को आपने देख लिया है, ऐसा वन राकेश कर रंजितम, चंद्रमा के किरणों के द्वारा जो सुशोभित हो रहा है, अभिसिंचित किया जा रहा है, अगर आपने देख लिया है तो देवियों आपसे प्रार्थना है कि आप अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि शास्त्र कहता है भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो हिमाया तदबंधूनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। गोस्वामी जी इसी श्लोक का अनुवाद करते हैं के कई धर्म एक वृत्ति ने माँ का ये बचन मन पति पति